my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this. Hi guys, welcome back to the channel. सुबह के बज रहे हैं 5 और हम दोनों उठ गए हैं. कीरत को मैंने रिक्वेस्ट किया कि तू खाना बना दे और मैं अपने काम पे बैठ जाऊंगा. Yes. चलेगा वो? Yes. और कीरत क्या मेरे लिए भी पानी डाल रही है? Yes. तो मैडम आप क्या बना रहे हो खाने में? Eggs. तो मैं रूम से बाहर निकलूं, बेबी ने बेड भी साफ कर दिया. बेबी मेरे साथ उठता है ना दोस्तों. अभी पहले कुकू जब ऑफिस जाता होता था बेबी स्लीप ही करता होता था एंड कुकू को ऐसे बेड छोड़ के जाना पड़ता था. अब बेबी भी साथ में उठ जाता है तो कुकू बन में एक तो बेड. तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ एग्स. प्याज भी काट लिया है, ब्रोकली भी है मेरे पास एंड आई गॉट लिटिल बिट ऑफ स्पिनच. आई विल बी मेकिंग ऑमलेट. दोस्तों आज है काफी लॉन्ग डे. अभी बज रहे हैं 6:09 मेरी पहली मीटिंग है एक. उसके बाद काम करना है. फिर उसके बाद शाम को हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह, दैट इज वैंकूवर फैशन वीक. सो सुबह सुबह अपना काम करके फिर शाम को जाएंगे. आई होप जेट लैग कल जैसा ना हो जैसे हमने कल पार्टी कैंसिल करी. बट पता क्या, हम सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं कि अल्टीमेटली मतलब कि यार 8 बजे सच में बता रही हूँ नींद आ जाती है. दोस्तों पूरा लोडेड हेल्दी ऑमलेट बना रही हूँ मैं. दोस्तों काफी ज्यादा हेल्दी ऑमलेट बना दिया मैंने. आई होप फ्रांजु को अच्छा लगे. ओ माय गॉड, मम्मा रो मत देना व्लॉग देख के. ओ हो हो, चीज डाली इसमें? यस, ओनली 20 ग्राम्स. ओ माय गॉड, गिन के? यस. कीरत ऐसे मत बोल. अरे गिन के क्या, पर स्लाइस मैंने देखा उसमें 20 ग्राम्स ही है. अरे कुकू एंड एप्पल फॉर मी? यस. ओ माय गॉड, तू तेरा बन गया? बन रहा. तो फिर मैं क्या खाऊं, यही खा लूं? हां यही खा ले. या तेरे पास आऊं बाहर? नहीं खा ले. श्योर है? ओह माय गॉड, डर लग रहा है गाइस. गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, जब ये ज्यादा प्यार करते तो मुझे ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं कब बम फूट जाए. ऐसे मत कह दे. सच ना बताओ इनको, उतना ही बताओ जितने तूने पैसे दिए. जोरदार जोरदार ऑमलेट. तो सुबह सुबह उठ के मैंने ईमेल कर दिया, वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई. मैंने सोचा 15-20 मिनट की ब्रेक ले लूं, इसलिए मैं अपने मसाज कर रहा हूँ. काफ मसल्स पे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, बहुत दर्द हो रही है काफ मसल्स पे एक्सरसाइज करके. और ये बनी है गुड गर्ल, इसको मैंने काम दिया कि अपना आज का स्केड्यूल बनाएगी सबसे पहले. ओके गुड गर्ल, जितने भी लोग हैं मैं सबको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि गाइस सुबह उठते ही अपना एक बारी डे जरूर प्लान करना. और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो फिर तो अपने बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बंदे को ना सर पे किसी का वो नहीं होता, टेंशन नहीं होती कि यार मेरे को ये काम करना है, मेरे को कौन किसी को रिपोर्ट करना है, किसी को नहीं रिपोर्ट करना. फिर आप सारा दिन लॉस्ट घूमोगे और कहोगे यार कोई भी काम नहीं हुआ. सुबह ही अपना दिन सारा प्लान कर दो कि यार मैं 8 से 9 बजे, 6 से 7 बजे, इतने इतने बजे ये करूंगा, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, बट प्लान कर लो. ठीक है मैडम? मैं तो हमेशा से प्लानिंग करती थी. तेरे को मेरी कसम सच बताइयो. कितने दिन हुए तुझे प्लानिंग करते हुए? 2 days. दोस्तों मैं भी बैठ गई हूँ काम करने एंड छोटी सी मीटिंग लेनी है सबसे पहले एंड उसके बाद काम कंटिन्यू. इसी को मैंने ही बना के दिया है पाउच. दोस्तों बीवी के घर रहने का फायदा, इतना साफ रूम लग रहा है कोई हद नहीं. दोस्तों थोड़ा सा टाइम मिला था एंड बीच में मैंने कर दिया फिशी की सारी कबर्ड सेट. ये देखो ये ज्यादा बेटर ड्रॉअर है. बहुत ही ज्यादा मेंटल सपोर्ट देती है ये लड़की मुझे, बहुत ही ज्यादा. जब जब मैं अटकता हूँ दोस्तों ये लड़की मेरा बहुत ही सहायता देती है. किस लिए कुकू ने जॉब छोड़ी? इसलिए छोड़ी. कल कहती ताकि वी बिकम अ टीम. कल कहती वी वर अ टीम. मैं कहा देख तेरा गिफ्ट तेरा फ्रीडम है. मैं कहा मेरा गिफ्ट क्या है? कहती तेरा गिफ्ट मैं हूँ. दोस्तों लंच टाइम हो गया. नाउ आई एम गोना मेक पालक पनीर. फर्स्ट टाइम बना रही हूँ सो आई होप अच्छा बने. लेट्स सी. पालक हो गया बॉयल, इसको कर रही हूँ मैं. दोस्तों पालक पनीर मेरा बन गया है ऑलमोस्ट. अभी सिर्फ 2 बजे हैं एंड आई एम सुपर लेट. लंच बन गया एंड फियांचो भी आएगा. आ चुका है. दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो. सुन तो ले, 2 बजे हैं, ऐसे लग रहे हैं मैं बहुत लेट हो गई हूँ. बाबू मैं लेट, रियलिटी में तू बहुत ज्यादा लेट हो गई है, शायद हमें कैंसिल करना पड़ेगा. प्लीज कम. कुछ देख रही है? दोस्तों राइस भी बन गए हैं एंड पालक पनीर. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. सिरके वाले प्याज हो जाते तो मजा ही आ जाता. यार रिलैक्स.
बहुत स्वाद है गाइस। No, he's lying. नहीं नहीं बहुत स्वाद है, तू टेंशन ना ले। चावल थोड़े कच्चे रह गए गाइस और सब्जी में नमक कम है, बट खाना बहुत स्वाद है, कमी बिल्कुल नहीं है। वो तेरे को वो चीज है ना, वो फोटो फ्रेम टांगने के लिए कील चाहिए थी। मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से ही प्यार हुआ ना तेरे को मेरे से। रुक रुक पत्थर आया। अच्छा नहीं, तो बासमती है, नहीं चावली थी। पानी कम रहेगा चावल में। अभी मस्त खाएंगे हम, ठीक है? मस्त पेट दर्द होएगा। नहीं कोई बात नहीं, नहीं भी खाऊंगा तो भी पेट दर्द हो रहा है बाबू, बहुत भूख लगी मुझे। उदास क्यों है इतना, तो टेस्टी है, मैं खाता हूँ सारी, 6 बाइटें एक साथ ले लूंगा मुंह में। गरम बहुत है गाइस। मैं लेकर आती हूँ नमक। नमक लेने जा रही है, एक और जन्म भी लेके आई हो। बहुत वाह, एक जोक याद आ रहा है, कल तूने कढ़ाई पनीर बनाया था ना जो फेंक दिया था, आज पालक पनीर भी फेंक दिए थे। तेरी कसम जोक है, मुझे अच्छा लग रहा है, डोंट वरी। मैं ये नहीं कह रहा स्वाद है, बट तेरी कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं खा लूंगा क्योंकि मेरी बीवी ने बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू खाना बनाती है। किरत को कुकिंग आती नहीं है, वो धीरे धीरे सीख रही है और वो इतना कोशिश करती है, मुझे इतना दिल से बनाती है, मुझे इतने में मेरे को अंदर से मैं ब्लेस करता हूँ, मैं जनरली मैं बहुत खुश होता हूँ जब ये कुकिंग करती है, और नॉट बिकॉज उसका काम है ये, वो बिकॉज वो ट्राई करती है। कुकिंग तो मैं कर लेता हूँ, मुझे पता है मैं उससे जल्दी कर लेता हूँ, बट जैसे वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से लगी रहेगी ऐसे स्लोली स्लोली स्लोली, जैसे वो मेकअप करती है ना धीरे धीरे, लोग कहेंगे नजायज ही अंधा है अपनी बीवी के प्यार में। हूं मैं, काश ये पालक पनीर मुझे ना दिखता। आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। $10 की टिप मिलेगी तुझे। फिर से बनाऊं? नहीं अब खा लेते हैं इसको, दोबारा खाना मैं बना लूंगा। आई एम द लकीस्ट genuinely, thank you so much for cooking. बहुत टेस्टी खाना, मैं दोबारा भी लूंगा। Why are you so good? Because you are so nice. You are so genuine. I love you. मैं बहुत खुश हूँ, सच्ची मेरा gift है that you are with me. Genuinely. I love you. I love you more. I love you the most. And I'm the luckiest guy alive that I can spend time with you. Only when you are in your good senses. When you are in bad senses, I hate to be alive. Oh, ऐसे बात कर रही है। You have to be there in my good and bad. बाबू, there is only good and psycho. There is no bad. मुझे psycho कहना चाहिए। गाय हुआ क्या? अभी हम बहुत romantic बातें कर रहे थे। Suddenly से camera on कर ले चुपके से। तो मेरे jokes बाहर आ गए। इतना ऐसे हो रहा था, मैंने चुपके से camera on कर लिया। मैं को बोल दे camera का। See the moment there is an audience. I'd be funny. Audience gone, romantic. We are all set, ready. I will not lie, I am nervous also. Because itte bade fashion week mein tum ja rahe ho Indian pehen ke. But guys, I am super happy with my outfit. Oh my god. Mujhe to bahut hi zyada pasand hai ye. Oh my god, it's giving me the spring vibes with Indian wear. Ye achhi mamma ne design kiya hai dosto. How pretty is this? क्या ठीक कर रहे, क्यों ठीक कर रहे? इंडियन पहन के यार, दिल बहुत था और जो मर्जी। हाँ। पिछली बार भी मैंने कहा भी होगा कि मेरा इंडो वेस्टर्न पहनने का दिल था, इंडो वेस्टर्न हमारा इंडियन पहनने का दिल था प्रॉपर, ठीक है, एंड वी वांटेड टू बिकॉज वी वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया। हमारा पिछली बार भी थोड़ी यही आया, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके भी, ठीक है, वो वेस्टर्न क्यों पहनना, वेस्टर्न पहन लेते पार्टी पुटी में जब मुझे कम्फर्टेबल लगना होता है, बट नहीं इस बार तो मेरी करारी थी, मतलब जब भी मैंने और इसे बोला ना कि पहने मैंने, मैं कहा हाँ हाँ पहनते हैं, अब वहां जाके देखेंगे क्या आएगा। और यार देख सुन, हमें इनवाइट किया गया, कोई बाहर तो निकालने से रहा, लुक्स मिलेंगी और उसी के लिए हम जा रहे हैं, वी वॉन्ट पीपल टू नोटिस अस, ठीक है। एंड मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ दैट दिस ड्रेस ऑफ माइन आल्सो इज डिजाइन बाय माय मॉम, आई एम वेयरिंग डिजाइन इन स्टाइल, झोली में लॉन्ग इशारा लगा दे, जब से दिल हमारा
दिल में सारा का सारा बेबी जी में लव यू मम्मा मिस यू लव यू मॉम सॉरी अच्छा साथ वाली गाड़ी में गोरे देख रहे गरे कमले हो गए हैं ये मैं पता क्या कह रहा हूँ ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं खरीदते एक अच्छी एसयूवी ले लेते हैं मैं आपको बता नहीं सकती गाड़ी हमारे घर में इतनी बार ये नहीं पूछा जाता कि खाने में क्या खाना है ये डिस्कशन जा रहा है कि कौन सी गाड़ी ले रहे हम और सोचो अभी तक तो हम गाड़ी देखने नहीं जा रहे बाहर अच्छा जितनी मेरी क्लासमेट्स थी ठीक है अगर वो मेरे को मिस करते हैं तो मेरे को मैसेज करो डीएम पे और ये ऑफर सिर्फ मेरी क्लासमेट्स के लिए है कोई नया ना मुद्दा है प्यार की राह में चलना मेन विल बी मेन नहीं थी तेरी क्लासमेट क्या नहीं थी तेरी क्लासमेट करती तेरे को भी मैसेज ठीक है ना तेरे डीएनडी पे जाता है डू नॉट डिस्टर्ब अच्छा बाय द वे नया अपडेट है मैं इंडिया से लेंस लेके आया क्योंकि यहाँ तो महंगे मिलते हैं मैंने कल पहनने की कोशिश की ऐसी फटी मैंने वापस रख दिया डब्बी फिर मैंने इसको आज कहा मैं कहा लेंस पहन के देखूं मैं क्योंकि मैं स्पेक्स पहनना नहीं चाह रहा था तो कहती तो एक काम कर लेंस भी मत पहन और स्पेक्स भी मत पहन मैं कहा मुझे कुछ भी नहीं देखा फैशन जो भाई कहती वही मैं चाहती हूँ मुझे देख बस बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है तू आज रानी को सब पता है गाइस इसको लड़कियों को ना सब पता होता है कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ आज डेढ़ घंटा पेंटिंग करके हटी है मुंह पे फिर कह रही है तुम जैसा फील तो है गाइस हमारी तो इतना एक दूसरे से हम पूछे बिना कुछ करते नहीं है कि मैं इसको सरप्राइज भी नहीं दे सकता गाड़ी कहीं में गाड़ी ले वो 10 साल ही मेरे को सुनाती रहे तो कभी मत करियो बाबू करना ही नहीं है किससे डिस्कशन करूंगा मैं तेरे अलावा किससे डिस्कशन करूंगा मैं कि बाबू ये गाड़ी इतनी स्पीड में चलती है इसकी एवरेज इतनी है इसमें इतनी कैपेसिटी है बता लेनी चाहिए कि नहीं मेंटेनेंस किसकी है यू आर माय ब्रो यो एक और सॉन्ग आ गया जो मुझे बहुत 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 पसंद है मुझे पता था तेरे को ये गाना पसंद आएगा तू है ऐसी सी लड़की क्यों इसमें ऐसा क्या वो शरीफ सी लड़की थी इसमें बच्चन ऐसे सीनों में वो जो मनीषा लांबा थी ये तू ज्यादा क्यूट एक्सप्रेशन मत दे वैंकूवर फैशन वीक की जगह गाड़ी मोड़ दी जाएगी बहुत प्यारी गाइस जब ये सूट पहनती है ना मुझे इतनी प्यारी लगती है वेस्टर्न में मुझे ठीक लगती है बढ़िया है सुंदर है पटाखा है बट ये जो सूट पहन के आती है ना बाल ऐसे करके इसे पीछे से टू कर लेती है अपनी ज्यादा क्यूट लग रही है आने लगी और हमारे यहाँ पे अभी भी दोस्तों 8 डिग्री है गाइस बस आने वाली है हमारी जगह फैशन वीक की हमारी घड़ी आई एम फीलिंग वेरी वेरी नर्वस नॉट गोना लाई मी टू यार वहाँ पे सारे वो बड़े पहन के आए होंगे वर्साचे लुई विटोन के सूट वगैरह ठीक है एंड मैं वो नहीं कि शर्म है बट मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा होता है ना कि इंडियन हाँ ये नहीं कि अगर मैं मान लो मैं पहन के आया भाई मनीष मल्होत्रा भी पहन के आया होता मैं तो भी ऐसे ही कर रहा होता या फिर और बड़ी से बड़ी इंडियन ब्रांड मुझे जो नाम भी नहीं बताएंगे तो इट्स अबाउट द क्या कहते हैं ड्रेस अटायर तो आगे बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसा डॉगी है तो क्यूट तो नॉर्डस्ट्रोम बंद होने वाला है आई फील वेरी सैड तुझे ठंड लग रही है मेरा हाल सोच सेम ही कपड़े पहने आज हम दोनों ने With you everything was complete Do you know how much I love you I put your favorite song So far bahut log tareef kar rahe ki dress bahut achhi hai tumhari sare gore aur chinese log aake pooch rahe ki bhai looking nice I can't help but feeling just loving this moment can we abhi tak hame seats nahi mili aaj dosto hum kafi late hain but abhi wait kar rahe show shuru hone ka
Let's see. If I could stop the time, don't you know? Don't say put my tent. Just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Dosto, abhi ek show khatam hua hai. Stay here forever. I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here? Show khatam dosto. फैशन वीक से बाहर आ गए हैं आज हमें गाइस, हम पीछे खड़े हुए थे, ठीक है, नॉट अ बिग डील, बट बहुत लोगों ने हमारे आउटफिट की तारीफ की, दैट वाज अ बिग डील, वो उसके लिए हम आए थे, वो चीज़ हो गई है, क्योंकि हम आए इतना लेट थे इसलिए आगे नहीं मिल पाया, उन्होंने बोला कि आपकी सीट्स दे दी ये किसी और को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर हम टाइम पे आएंगे. सो क्या प्लान है, करना क्या है? I just have one class left and after that I think I'm done for the day. What about me? Yeah. साढ़े बहुत सारे टास्क रहने कुड़िये. बहुत है जो थोड़े नाल अपा मौजा मारते हैं. मार दो ना फिर मेरे ना मौजा. मैं कहती हूँ फिर डिनर अपा घर बनावाए या अपा बाहर खाने. ये देखो मेरे को हर रोज यही बात बोलती है कि अब से मेरे को बाहर नहीं खाना खाना, अब से हम घर पे खाना खाएंगे. गाइस, तीन महीने से गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, मतलब आधी टंकी थी, बट हमने यूज कर ली है. रीस्ट होम. अब मुझे ये प्यारा सा सूट पैक करना पड़ेगा. बाय द वे, इफ यू लाइक माय सूट डू कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज अर्चू मामा सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ये उनका डिजाइन आपको अच्छा लगा. दोस्तों, बिफोर आई चेंज द आउटफिट मैंने सोचा कि आपको पूरा आउटफिट दिखा दूं मैं. चेक दिस आउट, पूरा लॉन्ग लेंथ सूट है ये. दुपट्टा पूरा प्योर का है एंड बहुत ही फाइन नेट है, बहुत फाइन नेट. लव 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 दिस सूट. और इसमें एक दो और कलर्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है एंड अगर आपको अच्छे लगे, यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर योर सूट फ्रॉम डिजाइन एंड स्टाइल. एंड अर्चू मामा को कॉन्टेक्ट करना मत भूलना. थैंक यू मामा. एंड इस आउटफिट का कलर मुझे इतना अच्छा लगा एंड फिशी को तो ये बहुत ही पसंद आया. मैं ना हमेशा अर्चू मामा से ऐसी एवर ग्रीन आउटफिट सी डिज़ाइन करवाती होती हूँ सो दैट आई कैन वेयर इट, मतलब कैसे लॉन्ग रन भी. वो भी ऐसे ही आउटफिट्स बनाते हैं ताकि मेरे लंबे टाइम तक चल पड़े. गाइज, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरा ये सूट उतारने का दिल नहीं कर रहा, इतना ब्यूटिफुल है ना. दोस्तों, फिशी ऑलरेडी सो चुका है. बाय कर दो. और डिनर आज हो रहा है पीनट बटर ब्रेड एंड बनाना का, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ बनाने की और बेहोशों की तरह नींद आ रही है, लेकिन भूख बहुत लगी है सो फटाफट बस यही बनाया. फियांशु ने भी यही खाया एंड आज करते हैं आपको गुड बाय. आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट, कॉमेंट डाउन बिलो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना. The future is bright.